हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हियर द स्टेप व्हिच हैज बीन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू रेगुलेट द मैनिपुलेशन इन द जीएमओस एंड देयर यूज। कि आपको वो स्टेप बताने हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं टू रेगुलेट करने के लिए कि जो भी जीएमओ है उसमें मैनिपुलेशन होना है, उनके किस तरीके से उनको यूज करना है, उसके बारे में, उस चीज को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वही है हमारा जीएमओ। तो जीएमओ क्या होता है, इसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, या फिर मॉडिफाई किससे कर रहे हैं, बाय आवर डिजायर्ड जीन से। हम अपना डिजायर जीन, डिजायर क्वालिटी वाला जीन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उनको चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ऐसे हम करते हैं। अब इनमें कौन कौन से स्टेप हैं, सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी सजेस्ट करी, उस कमेटी का नाम है जीईएसी। जीईएसी की फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसमें रेगुलेट किया जाता है या फिर मैन्युपुलेट किया जाता है कि कैसे यूज करना है, रेगुलेट द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल। अब ये कमेटी कई कई चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला जो स्टेप है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहला जो स्टेप आ रहा है वो हमारा आ रहा है इवेलुएट करना एंड अप्रूविंग। और अप्रूव करना जितनी भी एक्टिविटीज है जिसमें जीएमओ है, एक्टिविटीज जितनी भी हैं जिसमें इन्वॉल्विंग जीएमओस, उसको ये देखना कि कैसे उनका इंपोर्ट हो रहा है, कैसे सेल हो रहा है। ये सब चीजें रेगुलेट करने का काम है। मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है, ये सब चीजें रेगुलेट करने का काम है इसका, जीईएसी का। और सेकंड जो स्टेप है वो हमारा है सेफ्टी स्टैंडर्ड को सेट करना, सेटिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। कि जो भी जीएमओ से प्रोडक्ट बने वो सारे को प्रॉपर गाइडलाइन की गई है, गाइडलाइन प्रोवाइड कर रखी है फॉर हैंडलिंग, कि किस तरीके से उनको मेंटेन करना है और कंटेनमेंट कितना होना चाहिए जीएमओ का। ये सब चीजें मेंटेन करने का भी काम है। थर्ड जो है हमारा स्टेप है वो है मॉनिटरिंग कंप्लायंस। कंप्लायंस जो है इसका मतलब क्या है कि अप्रोप्रिएट एक्शन लेना, अगर इसका वायलेशन हो रहा है, किसी भी रूल को तोड़ा जा रहा है तो उसके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लेना इन केस ऑफ वायलेशन। कि कुछ भी वायलेट हो रहा है, कुछ भी गलत एक्शन हो रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लेना। फोर्थ पॉइंट जो हमारा आ जाता है प्रोवाइड पब्लिक अवेयरनेस। अब पब्लिक को भी इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या है जीएमओ और कैसे कैसे कमेटी बनाई गई है गवर्नमेंट ने, उसकी अवेयरनेस भी क्रिएट करवाना, जिसकी वजह से जो भी रिस्क है और जो भी बेनिफिट्स हैं वो लोगों को अवेयर हो जाएं, बेनिफिट्स ऑफ जीएमओ अवेयर हो जाएं
टू पीपल, लोगों को उसके बारे में पता तो हो एटलीस्ट है क्या चीज। तो GAC जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, ये सब चीजें बैलेंस करती है कि कैसे एविडेंस देना है, पब्लिक में उसे कैसे लाना है, इवेल्युएट कैसे करना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करना है, और जो भी वायलेशन हो जाती है, जो भी कुछ घटना हो जाती है, उसके खिलाफ एक्शन कैसे लेना है, लोगों को अवेयर कैसे करना है। तो हमारे की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज GMO के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि कौन कौन से स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने लिए, तो ये सारे स्टेप हमने मेंशन कर दिए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।